अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना माहौडन लेक का जो सफ़र है, कि आप कैसे जा सकते हैं। इस व्लॉग में पूरा काफ़ी डिटेल हम इसका बताएंगे। और लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो दरियाए सवात है वहाँ पर जो मिल रहे हैं, तो वहाँ से लेकर ये दो दरिया आपस में मिल जाते हैं। एक है ये माहौडन दरिया और वो है अतरौल एरिया। तो ये यहाँ पर आके मिल जाते हैं और दरिया सवाद बन जाते हैं। अभी कलाम से हम निकलेंगे इस पुल को क्रॉस करते हुए, और आगे हम एक दो रास्ते आ रहे हैं, वो भी मैं आपको पॉइंट में बताऊंगा। कि एक रास्ता आपके अतरौल और कुमराट साइड पे जा रहे हैं, एक जंगल के दरमियान से आप निकलते हैं सीधा, वो आप जो है माहौडन लेक तक जा रहे हैं। तो आगे जब पहुंचेंगे तो मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ कि इस पॉइंट में आपने कभी मिस नहीं करना है, कि यह ना हो कि कभी आप जो है अतरौल साइड, जबरल साइड और कुमराट साइड पे निकलें, तो फिर काफ़ी जो है वो होता है कि आप बहुत आगे जाके फिर आपको पता चल जाता है। ओके जी, तो ये है वो चौक, ये साइड ग्रीन एरिया की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन चौक के, और ये आगे जंगल कुमराट वैली और माहौडन के लिए निकल रहे हैं। यहाँ तक आपकी गाड़ी, आगे तक भी गाड़ी जा सकती है, लेकिन अगर आपने माहौडन जाना है तो आपने यहाँ से जीप बुक कर ली, वैसे आप जंगल तक जा सकते हैं अपने गाड़ी में, लेकिन अगर आगे जाना है तो फिर इस तरीके से 4x4 और जीप पे। आगे चलते हैं, आगे एक और चौक है, उसके बाद बिल्कुल आपका रास्ता जो है वो माउंटेन टेक के लिए जो है वो रेडी हो जाता है। फिर एक ही रास्ता है, उस रास्ते को छोड़ना नहीं है, तो सीधा आप माउंटेन के लिए जो कि 25 किलोमीटर है आप निकल जाएंगे। तो ये वो जंगल है, इससे जब आप एंटर हो जाते हैं तो आगे थोड़ा सा चल के तकरीबन गाड़ी में आप मुश्किल से 1 मिनट आगे जब चलेंगे ना तो ये एक पॉइंट आ जाता है, ये एक चौक आ जाता है। तो ये एक रास्ता जा रहे हैं कुमराट और जबरल और उस साइड पे अतरौल साइड पे, और ये रास्ता जो सीधा अभी हम निकल रहे हैं तो ये आपके जाएंगे माहौडन लेक के लिए। यहाँ से माहौडन लेक आपका पड़ेगा जी 25 किलोमीटर। तो ओके, और यहाँ पर जाके आपका ये जंगल जो ज़्यादा घना जंगल है ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ से कुछ आबादी स्टार्ट हो जाती है और सीधा एक ही रोड जाता है माहौडन के लिए, तो फिर आप माहौडन के लिए निकलना। ये रोड पे काम हो रहा है, आप देख सकते हैं, आई थिंक वो बंद है, लेकिन सैलाब की वजह से ये सारा मुतासर हो गया है। Thank you.
ओके जी, तो ये माहौडन के फर्स्ट जब आप आ जाते हो तो यहाँ आप स्टे कर सकते हैं, काफ़ी सारे ख़राब रोड होने के वजह से, और मेरे कंडीशन भी आप देख सकते हैं। तो ये चश्मा मुझे पहनना पड़ा क्योंकि वो हेलमेट ख़राब है, उसका शीशा काम नहीं कर रहा, तो पहनने की फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और ये हालात है, बस मैं इससे दांप लेता हूँ, चश्मा ये पहनना हुआ है, अंदर अपना भी चश्मा है नज़र का। और ये सीन है भाई, आप देख सकते हैं, यहाँ मैं रुक गया हूँ थोड़ा सा, कुछ पेट्रोल पम्प मुझे लग रहा है कि मेरा जो है वो पेट्रोल थोड़ा सा कम है, तो मैं डाल रहा हूँ पेट्रोल और उसके बाद फिर हम आगे के लिए निकल। तो जी ये है वो टिपिकली गांव, और ये है मनाली रोड। तो रोड काफ़ी ख़राब है, रोड की कंडीशन काफ़ी आगे कैसा रोड इस तरह। बस हमने तकरीबन 10 से 12 ये एक जगह है मुल्तानी आई थिंक बाजार क्रॉस किया अभी हम। ओके जी, तो यहाँ पर असल में
जब मैं एक टाइम था, मैंने कहा यहाँ पर बैठ करूँ थोड़ा सा, मैंने कहा चाय पी लूँ, और चाय पीने के बाद यहाँ पर इस खूबसूरत दरिया के किनारे पर हमने एक मस्जिद था, वहाँ पर नमाज पढ़ी। और नमाज के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये एक टरबाइन है जो कि पूरा चलता है पानी से, और ये देख सकते हैं बहुत बड़ा दरख्त जो है इन्होंने काटा है, और इसमें ऊपर से सारा पानी आ रहा है। जितना पानी ज़्यादा हो रहा है टरबाइन से, तो वो फिर इस नाव के थ्रू जो है वो आ रहा है, और बाकी जब पानी कम हो जाते तो ये पूरा पानी फिर वो जो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, इस पाइप के वजह से जो है फिर जाके टरबाइन लगता है। ये बराबर में मस्जिद है, यहाँ पर हमने नमाज पढ़ी जुम्मे की नमाज। तो अभी यहाँ से बस स्टार्ट करते हैं आगे नॉर्डन की। अच्छा जी, जब मैं का नमाज़ पढ़ ली है इस जामिया मस्जिद में, और यहाँ से आगे कोई एक घंटे का सफ़र है मोटरसाइकिल पे, तो अभी निकलेंगे यहाँ से। जो चढ़ाई है वो ये है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक थोड़ा सा, आप देखेंगे। ये एक गाड़ी गुजर गई, दूसरी गुजर गई, देखें ये हालात है भाई। मॉडर्न रास्ता यही है, आना है तो पहले अपने गाड़ी का ख्याल रखिए, और उसके बाद आते हैं। ऐसे ऐसी गाड़ी होती है। देखिए ये बिल्कुल आराम से जा रही है अभी, ठीक है। उस गाड़ी में पावर होनी चाहिए, फोर व्हील होनी चाहिए, तो फिर ये जो रास्ते हैं इसके लिए बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं है। ये देखिए और लोग आ रहे हैं, तो बहुत ही कह सकते हैं बिजी रोड है। तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है, 5-6 किलोमीटर बाकी होगा माउंट है। ओके जी, ये जो एरिया है इसको कहते हैं चश्मे शिफा। ये सीन है जी भाई, देखे आप कितने पानी और गाड़ियों का होना, रोड ये रोड है।
स्टूडेंट, तो मैंने आपको अबशार दिखाया, वो अबशार के बाद आप जितना भी आगे आते हो ना तो रोड इतना ख़राब होता था, तो कोशिश करना है ऐसी सारी चीज़ें जो है वो अपने साथ लें। अबशार की लेकिन मेरे दोस्त में लॉक है, अभी लॉक की बात है। चले जी, तो वेलकम टू मोहटन। देखिए ब्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है, रास्ता बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मोहटन जी है क्या और क्या क्या चीज़ें।